नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में यूनिट संख्या 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर है सहकारी विपणन कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जिसमें हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि विपणन की समस्याएं, कौन कौन सी भारतीय कृषि विपणन से होने वाली समस्याएं हैं जो कि इन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। अब हम बात करें भारतीय कृषि की कि भारतीय कृषि का जीवन यापन का आधार ही क्या है, कृषि है, जो कि भारतीय किसान इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं चलाते हैं, इसके पास उधर पूर्ति का कोई अन्य साधन न होने के कारण कृषि को ही अपनाते हैं। तो इसलिए भारतीय कृषि विपणन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शाही कृषि आयोग ने ये कहा है कि ये दोष चोरों से कम नहीं है, यद्यपि इन दोषों को दूर करने के लिए नियमित बाज़ार अधिनियम कार्यशील हैं, लेकिन नियमित बाज़ारों के लिए किए गए वैधानिक उपायों को सहायता देने व मंडियों में स्वस्थ क्रय विक्रय की प्रथाओं को प्रचलन के लिए अतिरिक्त कदम उठाने के लिए सहकारी क्रय विक्रय समितियों की अब आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने भी ये कहा है कि अधिकांश नियमित बाज़ारों की इनकी संख्या सापेक्षिक रूप से कमी है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कमियां व दोष रहे हैं इसमें, जिसमें हम बात करें पहली संगठन का अभाव। भारतीय कृषि विपणन की जो पहली कमी है वो क्या है, संगठन का अभाव है, मध्यस्थों की बाहुल्यता, संगठन का अभाव है, मध्यस्थों की बाहुल्यता है, जिसमें बड़ी समस्या आती है, क्योंकि संगठन अगर सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाता है तो ये सही तरीके से नहीं, और मध्यस्थों की बाहुल्यता से किसान अपनी उपज को गाँव में जब बेचता है तो कृषि उपज से उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए बहुत मध्यस्थों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको उस कृषि का उचित जो पारिश्रमिक है वो नहीं मिल पाता है। ये भी है एक शीघ्र बिक्री की बाध्यता, किसानों को शीघ्र बिक्री की बाध्यता रहती है, क्योंकि जब किसान कृषि करता है तो बड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि सामान्यतः किसान अपनी उपज तैयार करने के लिए होते ही बेचनी होती है, क्योंकि समय पर अपनी उपज का मूल्य प्राप्त हो पाता है, न इसमें मध्यस्थ उपयुक्त नहीं हो तो शर्त रहित होती है। तो इसलिए सामान्य रूप से फसल के कम भाव में उनको फसल को बेचा जाता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है, शीघ्र बाध्यता की समस्या। अगला है विपणन व्ययों की विविधता। विपणन व्ययों की विविधता भी एक अहम भूमिका का निर्वहन इसमें करती हैं, जो कि एक सहायक है। ये भी समस्या है, एक मोल भाव में गड़बड़ी भी एक अहम भूमिका का निर्वहन इसमें कर पाते हैं। मोल भाव में गड़बड़ी, एक गलत तोल, गलत तोल भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि गलत तोल होने से कृषक अपनी उपज मंडी में लेकर जाता है, तब वहाँ पर उसे छला जाता है व्यापारी या मध्यस्थों के माध्यम से तोलने पे व्यक्तिगत होते हैं, तो गलत तोल होने से भी उनको काफ़ी नुकसान हो पाता है। अगला, माल के श्रेणीकरण या परमापीकरण का अभाव। माल के श्रेणीकरण एवं परमापीकरण का अभाव, माल के श्रेणीकरण और परमापीकरण का अभाव भी एक इसकी विपणन की समस्याओं में अहम भूमिका रही है। तो क्योंकि माल का जो श्रेणीकरण रैंकिंग जब किया जाता है तो ये भी एक बड़ी विकट समस्याएं सामने उत्पन्न होती हैं। अगली है गोदामों व भंडारों का अभाव। गोदामों व भंडारों का अभाव
गोदाम और भंडारों का एक अभाव होने से भी एक अहम भूमिका होती है जो कि कृषि प्रतिमूल्य के रूप में है। बिक्री संबंधी सूचना का अभाव भी इसमें पाया जाता है, ये भी एक इसकी प्रमुख समस्याओं में शामिल है। तो बिक्री संबंधी सूचना का अभाव भी एक सहायक तरीके से क्रियान्वयन होने में एक अहम भूमिका है। यातायात व्यवस्था की कमी भी एक विपणन की समस्याओं में एक अहम भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो इसी प्रकार से नियंत्रित बाज़ारों का अभाव भी एक भारतीय कृषि विपणन की समस्याओं में एक अहम समस्याएं बनी हुई हैं। तो इस प्रकार विपणन योग्य उपज की कमी भी एक सहायक है। विपणन योग्य उपज की कमी से भी एक इसकी बड़ी भारतीय कृषि विपणन की समस्याओं में एक अहम समस्या बनी हुई है। और भी विभिन्न समस्याएं हैं। विक्रय मूल्य देरी से मिलना, जो विक्रय मूल्य है वो देरी से मिलना होता है। तो ये भी एक समस्या है कि बिक्री जो मूल्य है वो देरी से मिलने के कारण भी ये समस्याएं सहकारी विपणन या भारतीय कृषि विपणन की समस्याओं में अहम समस्या का रूप लिए हुए हैं। तो इस प्रकार ये बिक्री विपणन मूल्य में भी एक सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन कर पाती है। तो अगला है सहकारी विपणन की व्यवस्था का अभाव। सहकारी विपणन की व्यवस्था का अभाव भी भारतीय कृषि विपणन की समस्याओं में बना हुआ है। तो इस प्रकार ये भारतीय कृषि विपणन की विभिन्न समस्याओं के बारे में हमने क्रमबद्ध अध्ययन किया, जिस प्रकार से कौन कौन सी समस्याएं जो भारतीय कृषि विपणन की समस्याओं में आई। अगले हम बात करें कि भारतीय कृषि विपणन की समितियों में कौन कौन सी अहम भूमिका रही है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सहकारी विपणन के संगठन के उद्देश्य, उसके लाभ, महत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में, उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसकी योजना काल में प्रगति, सहकारी विपणन की जो ढांचा है उनके बारे में हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। सहकारी विपणन को जोड़ने के लिए कौन कौन सी कमियां व दोष रही हैं उनके बारे में, और इसके सुझाव हेतु सुझाव के बारे में हम संक्षिप्त रूप में हम चर्चा भी करेंगे। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि सहकारी विपणन की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं। तो हम आज के इस वीडियो के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की है। तो ये भारतीय कृषि विपणन की समस्याओं की हम बात करें तो भारतीय विपणन कृषि समस्याओं में ये अहम समस्याएं बनी हुई हैं जो कि एक सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, जिसमें हमने एक क्रमबद्ध पॉइंट्स के आधार पर हमने चर्चा की है कि सहकारी विपणन की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आई हैं जो कि वाकई में बड़ी समस्याओं के रूप में लिए हुए हैं, जो कि जिसमें हमने दोबारा से पर पुनर्निवेदन करें कि संगठन का अभाव है, मध्यस्थों की बाहुल्यता भी एक अहम तरीके से क्रियान्वित रही है, जिसमें संगठन के अभाव में भारतीय कृषक बिखरा हुआ है, क्योंकि संगठन का अभाव उतना सही मार्ग प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि विपरीत उपज के क्रेताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण किसान को आसानी से विभिन्न बातों से दबा लेते हैं और शोषण करने में सफल हो जाते हैं। तो संगठन का अभाव भी किसान उसका विरोध करने में सफल नहीं होता है। दूसरा है मध्यस्थों की बाहुल्यता, प्राय किसान अपनी उपज को गाँव में बेचता है, कृषि उपज को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बहुत से मध्यस्थों से गुजरना पड़ता है, जिसमें उदाहरण के रूप में गेहूं की उपज के मध्यस्थ किसान को अन्य किसानों की उपज एकत्रित करने में, जमींदार को अपने कागजों की उपज एकत्रित करने में, गांव का महाजन या घूमने फिरने वाले क्रेता या कच्चा आढ़तिया, पक्का आढ़तिया, सरकारी दुकानें, थोक व्यापारी, मील आदि सम्मिलित हैं। जिसमें तीसरा है शीघ्र बिक्री की बाध्यता भी एक
समस्या है। दूसरी, हमने विपणन व्यूहों की विविधता के बारे में चर्चा की। विपणन व्यूहों की विविधता में भारतीय कृषक अनेक अनावश्यक विपणन व्यय वहन करने होते हैं। इन व्ययों को किसान का कोई लाभ नहीं होता है। वास्तव में उचित न्यायपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए, व्यापारी लोग धर्मता, चुंगी, आड़त, गौशाला, पौशाला, मंदिरों के लिए चंदा, गोदामों का किराया, कृषक उपज की कटौती कर लेते हैं, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराई जाती है। तो किसानों को ये सब मंजूरी देना होता है। मोल भाव में भी गड़बड़ी है, जिसमें भारतीय किसान अशिक्षित होता है। उसे अपनी उपज का मोल भाव जानकारी नहीं होती है और न ही मोल भाव करने में वह सक्षम हो पाता है। ये व्यापारियों का विश्वास ही मोल भाव करता है। नियंत्रण बाजारों के भाव में कृषि उपज की बिक्री के कई दोषपूर्ण रहस्यमय तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें दलाल व्यापारी इस प्रकार के चालाकियों को समझ सकते हैं। किसान को हिसाब किताब नहीं आता है, कुछ भी उसे दिया जाता है वह स्वीकार कर लेता है। व्यापारी उन्हें बाजार मूल्य से कम मूल्य देते हैं, तो ये भी एक समस्या है। गलत तोल, जब कृषक अपनी उपज को मंडी में लेके जाता है तो उसे छला जाता है। व्यापारी मध्यस्थों को तोलने में जो व्यक्ति होते हैं वे व्यापारियों से मिले रहते हैं तथा व्यापारियों से नापतोल में गड़बड़ी करते हैं। अधिकांश मंडियों में तोल के रूप में बाट नहीं होते, वे माध्यम भोले किसान को ठगा जाता है। तो बाटों के निरीक्षण की जांच, उचित व्यवस्था का अभाव है, जिसमें किसानों को अपने पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। अगला, माल के श्रेणीकरण या परमापीकरण का अभाव में लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के अंतर्गत बात करें तो कृषक अनेक प्रकार की नई किस्मों के उपज उत्पादित करते हैं, जिसमें भारतीय कृषक उपज श्रेणीकरण का प्रणाली परमापीकरण नहीं कर पाता है। इसके पास साधनों का अभाव रहता है, इसी कारण वह अपनी उपज का विधायन नहीं कर पाता है, तो ये भी एक समस्या है। तो अगला है गोदामों और भंडारगणों का अभाव। गोदाम और भंडारण है, उनका अभाव है। भारतीय कृषि के पास अपनी उपज संग्रह करने के लिए उचित साधन एवं भंडार का अभाव है। इस कारण उसे अपनी उपज तैयार होते ही बेचैनी पड़ती है कि वह अपनी उपज अधिक मूल्य पर प्राप्त करने की आशा से संग्रह करता है तो बहुत सी उपज नष्ट हो जाती है। तो इसी क्रम में अगला है, मूल्य उपसमिति में भी कृषि उत्पादन में 5% का भाग भी नष्ट हो जाता है। बिक्री सूचना का भाव भी, गाँव में कृषि उपज से पर्याप्त विश्वसनीय सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं, जिससे किसान गाँव के व्यापारी की सूचना पर ही विश्वास करता है। सामान्यतः ये भी गलती होती है, क्योंकि कृषकों के विभिन्न अनाज विभिन्न मंडियों प्रचलित भावों की जानकारी न होने पर उनसे मध्यस्थ व्यापारी सस्ती दर पर उनको व्यापारियों को बेच देते हैं, जिससे समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उनको सही सूचना नहीं हो पाती है। यातायात व्यवस्थाओं की कमी है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि भारत में गांवों का देश है, इसलिए गांव दूर दूर तक फैले हुए हैं, अतः मंडियों तक लाने के लिए बड़ी समस्याएं रहती हैं। नियंत्रण बाज़ारों का अभाव भी है, क्योंकि भारत में कृषि उपज की बिक्री के लिए पर्याप्त नियंत्रण बाज़ार नहीं है। तो बाज़ार को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके, अधिकांश उपज मंडियां अनियंत्रित हैं, जहां पर विपणन के नियम लागू नहीं हैं। व्यापारी अपनी मनमानी करते हैं, नियंत्रित बाज़ारों को भी नियमों से कठोरता से लागू नहीं किया जाता है। इसी कारण यदि कृषक अपनी उपज मंडी से ले जाता है तो उसे पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तो विपणन योग्य उपज की कमी, लैक ऑफ मार्केटेबल प्रोडक्ट्स, भारत में प्रति हेक्टर उत्पादन कम है, जिसकी वजह से भी विपणन योग्य में कमी है, जिसमें विक्रय मूल्य में देरी से मिल पाता है और विपणन व्यवस्था का अभाव होता है। तो इस प्रकार से हम आज इस वीडियो में जो मेन जो पॉइंट्स हैं, हो सकता है यही पॉइंट हो भारतीय कृषि विपणन की समस्या होगी, और भी विभिन्न प्रकार के बिंदु हो सकते हैं, उनका आप विस्तृत रूप से आप उसको कैलकुलेशन इसमें शामिल कर सकते हैं, कि उनसे संबंधित प्रश्न आपको अधिकतर यूनिट संख्या 5 में रूरल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन के अंतर्गत पूछ लेते हैं कि भारतीय कृषि विपणन की कौन कौन सी समस्या रही है। उन समस्याएँ के बारे में आप बताइए, जिसमें वर्तमान परिवेश की भी हम बात करें तो वर्तमान में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो इसी क्रम में हम इन समस्याओं के बारे में हमने संक्षेप में अध्ययन किया। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट संख्या 5 में
कृषि विपणन या उपभोक्ता विपणन साख के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।